हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम शुरू करेंगे कैश बुक डबल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब है जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मिलके बनेंगे। सो आप क्या करोगे, जो अमाउंट का कॉलम है इसमें दो कॉलम बन जाएंगे। एक कॉलम हो जाएगा कैश का, दूसरा कॉलम हो जाएगा बैंक का। किसी भी बिजनेस में आज की डेट में सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती हैं, आप बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। आपने कुछ पैसा बैंक में जमा करा रखा है, आप बैंक्स के थ्रू पेमेंट करते हो, चेक पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सिमिलरली आपको पैसा मिलता भी बैंक के थ्रू है, कई बार आपको चेक मिल जाते हैं, कई बार आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाती है। सो जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक में क्या प्रोविजन है कि आप इसमें अमाउंट के दो कॉलम बना लो। सो एक कॉलम कैश का रहेगा एज इट इज, जैसे हम अब तक कैश की एंट्रीज करते रहे हैं। रिसिप्ट होंगी डेबिट साइड में, पेमेंट्स होंगी क्रेडिट साइड में, जब भी कैश में होंगी। सेम चीज एप्लीकेबल है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक भी हमारी एक एसेट है। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं वो भी हमारी एक एसेट होती है। सो जब भी हम बैंक में पैसा और डालेंगे, जब भी हमें रिसीव होगा बैंक में कुछ, तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर हम बैंक के थ्रू कुछ पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट साइड में आ जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और आपके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। राइट, सो बैंक का कॉलम भी सेम प्लस और माइनस से जाएगा। एज एन एसेट जब भी बैंक में पैसा बढ़ेगा तो वो प्लस होगा, और जब बैंक से पैसा निकलेगा तो वो माइनस होगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फाइनली हम बैंक अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कैश एक रियल एसेट है, ये सिर्फ आपका डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड होने के बाद जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो इसमें कैश का बैलेंस सिर्फ डेबिट होता है या निल होता है। बट बैंक कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बैंक में डेबिट क्रेडिट और निल बैलेंस भी हो सकते हैं। अब डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब बैंक में जो पैसा रिसीव हुआ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपने दिया। तो ये तो आपकी एक एसेट हो जाती है, ठीक है। और निल का मतलब हो जाएगा कि जितना आया उतना ही दे दिया, तो कोई बैलेंस नहीं बचा। सो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका क्रेडिट बैलेंस कैसे हो जाएगा? जस्ट कंसिडर, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी है। बैलेंस उसी साइड में आता है जो साइड ज्यादा होती है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब आपके क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा बन रहा है, मतलब आपकी पेमेंट्स ज्यादा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास बैंक में पैसा नहीं हो या कम हो और आप पेमेंट ज्यादा की कर दो? क्या ऐसा कर सकते हैं? नॉर्मली नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेसेस का बैंक के साथ थोड़ा अलग रिलेशन होता है। उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो कहलाते हैं करंट अकाउंट्स, और उसमें कई बार वो बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं। मतलब वो ये बैंक से फैसिलिटी लेते हैं कि वो अपने अकाउंट से ऊपर ओवर ड्रॉ कर सके, उससे ज्यादा पैसा निकाल सके। सो आपके बैंक में मान लो 50,000 है, सो आप बैंक से फैसिलिटी ले लेते हो कि आप 70,000 तक का अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो। सो ये फैसिलिटी ऑफ कोर्स, इसके अगेंस्ट बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेगा, बट फैसिलिटी तो मिल गई ना। उस केस में क्या हो जाएगा, आप ज्यादा पेमेंट कर सकते हो। सो आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आपके पास बैलेंस 50 है, बट आप 60, 65 या जितनी आपकी लिमिट है उतना पे कर देते हो। सो सपोज आप 70,000 पे कर देते हो, तो पेमेंट ज्यादा हो गई, ठीक है, और आपका बैलेंस कम था। सो अब ये जो ज्यादा पेमेंट कर दी, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर, ड्राफ्ट वर्ड आया ड्रॉ से, सो हमने ज्यादा ड्रॉ कर लिया है। सो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा बैंक ओवरड्राफ्ट है, और ये एक लायबिलिटी की तरह से ट्रीट होगा। सो इट इज नो लॉन्गर एन एसेट। अब एसेट नहीं रही, एसेट होती है जब तक पैसा पड़ा हुआ है, और जब ज्यादा निकाल लिया तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। और ये हमारे बैंक के साथ हमारी एडजस्टमेंट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। सो कभी आपके पास अगर कैश बुक बना रहे हो डबल कॉलम में और बैलेंस आपका क्रेडिट आ गया, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, इट इज फेयरली पॉसिबल। सो जब आप इस तरह की कैश बुक बनाओगे, तो मैं रफ में आपको आइडिया दे रही हूं,
क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मेट तो हमारे पास है ना। सो यहां आपके पास अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैश और एक हो जाएगा बैंक। बाकी आपका लेजर फोलियो है, ठीक है ना, डेट है, रिसिप्ट्स है, बाकी आपका एज इट इज चल रहा है। यहां पर भी सेम आपका डेट है, पेमेंट है, लेजर फोलियो है और अमाउंट के आपके पास दो कॉलम हो गए, कैश और बैंक। सो अगर हमें दे रखा है डेबिट बैलेंस है तो वो यहां लिखा जाता है डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में, सो अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंक का बैलेंस क्रेडिट है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपकी जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स है वो आप रिसिप्ट यहां, जब भी पैसा बढ़ेगा बैंक में यहां, जब भी पैसा कम होगा बैंक से पैसा निकालोगे तो यहां आ जाएगा और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो जब आप बैलेंस करोगे अगर आपका डिफरेंस यहां आ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाता है, ठीक है। और अगर आपके पेमेंट्स ज्यादा हो गई हैं तो वो यहां पर भी आ सकता है। सो बैंक का बैलेंस जो है वो किसी भी साइड आ सकता है, दोनों तरह से ये करेक्ट होगा। वो डिपेंड करेगा कितनी पेमेंट की और कितना बैलेंस अवेलेबल है। अब हम जल्दी से ट्रांजेक्शन को स्टडी कर लेते हैं कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है और उनको कहां पोस्ट करते हैं। सो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नोट कर सकते हैं वन बाय वन। अब आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचो तो आप बैंक से किस तरह के ट्रांजेक्शन करोगे। सबसे पहली तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपके बिजनेस के पास ज्यादा कैश आ गई, मान लो आपका रिटेल का बिजनेस है, कैश आती है, तो आप अपना इतना कैश अपने पास नहीं रखते हो, आप क्या करोगे, कैश बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, कैश डिपॉजिटेड इंटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया। अब ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें दो अकाउंट्स हैं, वो दोनों ही कैश बुक के अकाउंट्स हैं, दोनों इफेक्ट होंगे। कैश बैंक में गया तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगी और बैंक जो है वो बढ़ जाएगा। बैंक में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक वाले आपके पासबुक में भी पैसा बढ़ा देंगे और आपके ऑफिस में से कैश कम हो जाएगी क्योंकि वो बैंक में जमा हो गई है। सो इसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में दोनों जगह होगी। कैश में यहां पर मान लो आपने जमा कराया 10,000, तो आपके कैश में कमी हो जाएगी और बैंक में इंक्रीज हो जाएगा। जब आप इसे नोट करोगे, मैं सिर्फ कॉलम वाइज बता रही हूं, कैश और बैंक, ओके। तो कैश में कमी हो गई तो कैश की कमी यहां लिखेंगे, मान लो 10,000 आपने जमा कराए, तो क्यों कमी हुई, क्योंकि पैसा बैंक में चला गया। और बैंक में पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने कैश जमा करा दिए, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर एंट्री हो जाएगी, बैंक में प्लस हो जाएगा और कैश में कम हो जाएगा। अब इस तरह की एंट्री को, क्योंकि ये हमारे लेजर अकाउंट में नहीं जाएगी, यूजुअली आपने क्या देखा है, सिंपल कैश बुक से आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो रेंट रेंट अकाउंट में चला जाता है, फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट में चला जाता है, सेल सेल्स अकाउंट में जाती है, बट ये कहीं नहीं जाएगी, ये अंदर ही सिमट के रह जाएगी। क्यों, क्योंकि ना तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं ना हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। जब भी कैश बुक बनती है तो इनके अकाउंट नहीं बनते हैं क्योंकि हम यहीं से बैलेंस ले लेते हैं। तो ये आपके कंट्रास्ट की एंट्री है, अंदर ही सिमट गई है, तो ये आपस में एडजस्ट हो गई है, तो इसको हम सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री लिख देते हैं। ये कह देते हैं कि ये यहीं पर कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या होता है, एक लाइट एक डार्क, दो चीजें जब इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं उनको कंट्रास्ट बोलते हैं। तो यहां से ये कॉन्ट्रा वर्ड आ गया कि ये कॉन्ट्रा है, ये यहीं पर, इसका कॉन्ट्रा यहां पर है और इसका कॉन्ट्रा यहां है, तो ये पोस्ट नहीं होगा क्योंकि इनके अकाउंट्स नहीं बन रहे। इसका रिवर्स कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस के लिए पैसा निकाला, जैसे आप
पैसा रखते हो अपने पास कुछ खर्चों के लिए, या आपको एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है जो आप कैश में देते हो, तो अब आपको बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ऑफिस का कैश बढ़ जाएगा और बैंक में पैसा कम हो जाएगा। तो इसकी नोट कैसे करेंगे, इसको बैंक में कमी है तो बैंक में कमी यहां लिखेंगे, और कैश में बढ़ रहा है तो कैश की रिसिप्ट यहां। कैश में बढ़ रहा है क्योंकि बैंक से निकाला है, और बैंक में कम हो रहा है क्योंकि कैश से आएगा, कैश में आ जाएगा, और ये भी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये दो हो जाती है कॉन्ट्रा एंट्री, ये डायरेक्ट एंट्री है, विद इन द कैश बुक एंट्री है, कि आप एक सोर्स से पैसा निकाल के दूसरे में डाल रहे हो या दूसरे से निकाल के पहले में डाल रहे हो। तो ये आपकी एक में कमी होगी, एक में इंक्रीज होगी, और यहां पर कंट्रास्ट है, यहीं पर एडजस्ट हो जाना है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब ये तो हुई सिंपल सी बात कि हमने पैसा डाला पैसा निकाला। अब इसके अलावा और बैंक से हम किस तरह की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो जब हम बैंक में पैसा डालते हैं, हमारे पास आती है चेकबुक। अब चेकबुक का क्या पर्पज होता है, कि हमें अगर किसी को पेमेंट करनी है तो हम चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। इसका रिवर्स क्या होगा, कि अगर किसी ने हमें पैसा देना है तो वो हमें चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो आपने गुड्स की सेल की थी सुधीर को, ठीक है, सुधीर ने आपको 20,000 रूपीज देने थे और वो उसके अगेंस्ट अपना चेक लिख के साइन करके आपको दे देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, चेक। तो हमें चेक में पेमेंट्स मिल सकती हैं, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब पहला केस हम लेते हैं कि अगर हमें अमाउंट रिसीव हुआ चेक से किसी भी एक पर्सन ने, सपोज हमें पे कर दिया बाय चेक, अब वो चेक जब हमारे पास आएगा तो क्या इमीडिएटली हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा? सोचो, आपके पास कोई चेक दे के जाता है कि ये आपकी पेमेंट थी ये लो, तो क्या इमीडिएटली आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा? बैंक वालों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास चेक आया है, ठीक है ना। तो आपको वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो जब हमें बैंक की पेमेंट्स मिलती हैं तो पहला स्टेप होता है चेक रिसीव्ड। तो जब चेक रिसीव होता है उसकी हम एंट्री करते हैं कि हमें क्या मिल गया, चेक, चेक इन हैंड, अब वो हमारे हाथ में आ गया टू सो एंड सो अकाउंट, जो भी पर्सन है उसके अकाउंट से हमें चेक मिल गया। इसको कैश बुक में नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो कैश आई है ना बैंक में पैसा बढ़ा है, ठीक है ना। अगर कोई कैश में पेमेंट करते हैं, आप सीधे अपने लॉकर में कैश डाल देते हो, आपकी कैश बढ़ जाती है, बट अगर कोई चेक में पेमेंट कर रहा है तो आपके पास तो चेक आया और वो बैंक के पास तो नहीं गया अभी तक, तो आप क्या करोगे, आप इसको एंटर कर दोगे एक एंट्री के थ्रू जर्नल प्रॉपर में कि हमें चेक मिल गया इस पर्सन से। उसके बाद अब जब आपको चेक मिल गया, अब आपकी मर्जी है इस चेक को क्या करो, आप चेक डिपॉजिट करा सकते हो बैंक में। अब अगर ये वाला चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम इसको यहां कैश बुक में एंटर कर देंगे, इसकी एंट्री नहीं होती। आपको पता है कि जिसकी भी बुक बनती है उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। सो जब ये बैंक में जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। आपने चेक डाला, अब वो बैंक में चला गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीजें इंस्टेंटली हो रही हैं। आप जैसे ही चेक बैंक को दोगे, बैंक नोट करेगा कि ये किस ब्रांच का चेक है। अगर ये सेम ही बैंक का चेक है तो वो यूजुअली इवनिंग में उसकी एंट्री कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर ये किसी और बैंक का चेक है, मान लो आपका अपना अकाउंट है SBI में, ये चेक आपको ICICI बैंक का मिला है, तो एट द एंड ऑफ द डे बैंक क्या करते हैं, सारे चेक्स को टोटल करते हैं कि किस बैंक के कितने चेक्स हैं, फिर उनकी एडजस्टमेंट करते हैं और उस बैंक के साथ अमाउंट एडजस्ट करके फिर वो आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो बैंक कर लेगा, ये उनका काम है, तो यूजुअली ये काम हो जाता है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होती है। सो हम ये मान लेते हैं कि जब चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तो एंट्री को स्किप कर दो और आपके बैंक में पैसा यहां पर आ जाएगा। कहां से आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट से, कि आपके हाथ में चेक था और आपने बैंक में डाल दिया, बैंक में पैसा आ गया। अब आप ये भी कर सकते हो कि ये चेक को बैंक में मत डालो। मान लो आपको किसी से 20,000 रूपीज का चेक मिला, आपको लग रहा है कि दो दिन बाद मुझे फर्नीचर खरीदना है और उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराओ, फिर बैंक से पैसा निकालो या अपना चेक बनाओ। उसकी बजाय आप क्या करते हो, आप उस चेक को अपने पास रख लेते हो,
ठीक है। अब दो दिन बाद आप वो चेक जिससे फर्नीचर खरीदते हो उसको दे देते हो, इसे हम कहते हैं एंडोर्स करना। क्या कहते हैं? एंडोर्स किया। सो चेक एंडोर्स कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं किसी और पर्सन के फेवर में, इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी रीजन से। आपने उसको इंटरेस्ट पे करना था, आपने इससे पे कर दिया, आपने उसको से फर्नीचर खरीदना था या परचेजेस करनी थी, उसको पेमेंट कर दी, या आपने उससे लोन ले रखा था, आपको उसको रीपे करना है। तो अगर आप अपना चेक उठा के किसी दूसरे पर्सन को दे देते हो तो क्या वो आपकी कैश बुक में आएगा? कैश बुक में कैसे आ सकता है, क्योंकि बैंक में ना तो पैसा बढ़ा ना कम हुआ, ठीक है ना। आपने सीधे बाहर से ही पेमेंट कर दी तो बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका क्या होगा, इसमें जो रिसीवर है उसको आप चेक दे दोगे तो रेलेवेंट पर्सन का अकाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड। जब चेक मिला था तो आपने उसको एज एन एसेट डेबिट किया, अब ये किसी और को दे रहे हो तो इसे क्रेडिट कर दोगे और उस पर्सन के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, तो इसको यहां कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब चेक मिलेगा तो भी कैश बुक में नहीं जाएगा, जब चेक किसी और पर्सन को देंगे तो भी ये इसमें नहीं जाएगा, वो इसमें तब जाएगा जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट कराते हो। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, जो भी पर्सन है आपका जो जिससे चेक मिला है उससे आपका जो चेक है, क्योंकि आपके पास प्रेजेंटली वो कहां है, चेक इन हैंड है, तो उसके थ्रू ये यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है, वो क्या है कि मान लो आपका जो चेक आपने जमा कराया था वो बाउंस हो गया, चेक डिपॉजिटेड इज बाउंस्ड, ठीक है। ये जो चेक आपने बैंक में जमा कराया था ये बाउंस हो गया, अब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये चेक अब आपके बैंक को मिला नहीं इसके अगेंस्ट पैसा, तो जो आपने बैंक में पैसा बढ़ाया था अब वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो एट द एंड हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स साइड में हम एंट्री कर देंगे, बाय सो एंड सो पर्सन अकाउंट, जिस पर्सन से हमें पैसा मिलना था उसके अकाउंट में वापस हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा कि देखो तुम्हारा पैसा आया नहीं है, अब वापस तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा लिख रहे हैं, हमें दोबारा से दो किसी भी सोर्स से, कैश में दो या नया चेक दो या बैंक ड्राफ्ट दो, इस तरह से आप एंट्री करोगे। और अगर आपने किसी रेलेवेंट पर्सन का चेक है वो आपका कैंसिल हो गया तो इसकी एंट्री बैंक में नहीं होगी, क्योंकि बैंक में तो ये गया ही नहीं था, बैंक में उसी की एंट्री होगी जो बैंक में जा रहा है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, अलग से पास करेंगे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल से। तो हमारे बैंक में कब जाएगा, जब चेक बैंक में डिपॉजिट होगा या जब डिपॉजिटेड चेक बाउंस हो जाएगा, चेक मिलने पे या किसी और को चेक देने पे जब हम सेम चेक किसी को आगे सरका देंगे तो वो हमारी बैंक अकाउंट में या कैश बुक में नहीं आएगा। तो ये हो गई रिसीप्ट की बात, जब हमने चेक रिसीव किए। सिमिलरली अगर हम अमाउंट पे करते हैं चेक के थ्रू, व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, अब जब आप चेक के थ्रू किसी पर्सन को पेमेंट करते हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि वो पर्सन अपने बैंक में जाके ये चेक जमा करा देगा और आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। दैट पर्सन जो है वो ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्म करे जी हाँ जी आपने जो चेक दिया था वो मैंने बैंक में डाल दिया। ये प्रोसीजर है, वो चेक रख के क्या करेगा, उसे चेक से तो कुछ नहीं मिलना, चेक पड़ा हुआ उसको कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो वो चेक बैंक में जमा कराएगा, या अगर वो भी हमारे जैसे चेक को एंडोर्स कर देते हैं किसी और पर्सन को तो वो बैंक में जमा करा देगा। तो इन एनी केस जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा, तो जिस भी पर्सन को हमने चेक दिया है वो हमारे बैंक से पैसा उसका निकालेगा, तो हमारे बैंक अकाउंट में वो कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बैंक में कमी हो जाएगी, ठीक है, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब कई बार कुछ इसमें टाइम की जो गैप है वो आ जाते हैं। टाइम गैप कैसे आ जाता है कि आपने चेक जो लिख के दिया, सपोज वो 31 मार्च आपने चेक लिख के दिया, ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आपका ईयर क्लोज हो गया तो वो पर्सन हो सकता है कि सेम डे चेक जमा नहीं कराता, क्योंकि ये तो पॉलिसी होती है, जैसे हम भी ये नहीं होता कि एवरी डे हम बैंक जा रहे हैं चेक जमा करा रहे हैं, कई बार
कंपनीज ये फॉलो करती हैं पॉलिसी कि क्योंकि हमें चेक्स कम मिल रहे हैं तो हम हर दूसरे दिन बैंक का चक्कर लगा लेंगे या एवरी वीक हम बैंक में जाएंगे, तो हो सकता है आपने तो चेक डाल दिया और आपने अपने अकाउंट में पैसा भी कम कर दिया, लेकिन उस पर्सन ने अभी चेक कलेक्ट ही नहीं किया, वो उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, उसके बैंक में आया ही नहीं, तो आपके बैंक में जो है पैसा नहीं कटा, आपने यहां पैसा काट दिया, आपके बैंक में तो पैसा नहीं कटा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आपका, क्योंकि ये एंड में आपके बैंक में पैसा नहीं कटा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा कट गया लेकिन जो आपका बैंक आपको पासबुक देगा उसमें उसका चेक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो उस बैंक के पास अभी आया ही नहीं है, तो पासबुक का अमाउंट आपकी जो कैश बुक है उससे मिलेगा नहीं। भाई आप कह रहे हो मेरा पैसा कम हो गया, लेकिन बैंक कह रहा है कि अभी तो चेक आया ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं ना, वो तो एक थर्ड पार्टी है, आप उनको इन्फॉर्म थोड़ा ना करते हो हर बार चेक देने के टाइम कि देखो मैंने चेक लिख दिया, वो तो अपने आप चेक उनके पास आएगा और वो माइनस कर देंगे। अगर उनके पास आया ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, इसका मतलब ये एंट्री हमें रिवर्स करनी पड़ेगी इस तरह, इफ द चेक इश्यूड is not yet presented for payment। अगर वो पेमेंट के लिए नहीं आया है तो हमें इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। बट ये याद रखो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, ये ऐसा हर बार नहीं होगा, ये यूजुअली होता है जब हम चेक्स एंड में दे रहे होते हैं, और सेम चीज यहां भी हो सकती है कि हमें चेक मिल गया लेकिन अभी हमने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो उस केस में जिस पर्सन से चेक मिला वो एंट्री एडजस्ट करेगा, ठीक है। सो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है रिवर्स करने की। अब ये तो हुआ जो हम एक्चुअली खुद कर रहे हैं, आप चेक लिख के दे रहे हो, यू नो दिस, आपको चेक मिला आपने बैंक में डाला, आप एक्ट कर रहे हो, आपको पता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन बैंक के साथ क्या होता है कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं जो डायरेक्ट बैंक के थ्रू हो जाती हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शंस क्या हैं? जो बैंक खुद करता है, जैसे आपने जब बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है तो आपको बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, तो जो भी उनका मार्जिनल सा रेट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो बैंक आपको कैश में पैसा नहीं देगा, वो सीधे आपकी पासबुक में लिख देगा कि आपको इंटरेस्ट मिला 500 रुपीज, तो जो बैंक इंटरेस्ट है उससे आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और ये यहां लिख दोगे। सिमिलरली कुछ बैंक के चार्जेस भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने किसी को पेमेंट करनी थी और पेमेंट का मोड उसने कहा मुझे ना चेक मत दो, मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवा के दे दो, आप बैंक जाते हो बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो 50,000 का, उसको पेमेंट कर देते हो। अब ये जो आपने बैंक की सर्विस ली, बैंक ड्राफ्ट बनवाया, उसके लिए बैंक आपसे 1% 2% चार्जेस लेगा। तो एक तो जो आपने उस पर्सन को पेमेंट की है वो पेमेंट तो आपके बैंक में से कटेगी ही, इसके अलावा सिमिलरली आपने बैंक से फैसिलिटी ले रखी है कि जब भी कोई बैंक की ट्रांजैक्शन होगी आपको एसएमएस मिलेगा, तो वो एसएमएस के चार्जेस बैंक आपसे लेते हैं, तो वो भी बैंक चार्जेस हैं। अब वो आपको बुला के आपसे कैश में नहीं लेगा, आपका तो अकाउंट है वहां पर, पैसे पड़े ही हुए हैं, वो सीधे आपके पैसों में से काट लेगा। तो जब बैंक को इंटरेस्ट देना है वो आपके पैसों में डाल देगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा बैंक में, और जब उसे चार्जेस लेने हैं वो निकाल देगा और आपका पैसा कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, ये सीधे बैंक के थ्रू होगी। सिमिलरली आपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या टेलीफोन बिल पे करना है, ठीक है, और हर बार आपको पे करना पड़ता है, तो आपने एक बैंक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि कुछ चार्जेस है मेरे वो डायरेक्टली पे कर दो। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है, अब बैंक अपने आप आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टेलीफोन बिल्स वो पे करता रहेगा, तो जब जब वो एक्सपेंसेस पे होंगे वो आपके बैंक में से कटते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप जब अपनी चेकबुक अपनी पासबुक देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि ये एक्सपेंसेस कट गए। इसका उल्टा क्या है, आपको इनकम भी मिल सकती है, रिसिप्ट ऑफ इनकम डायरेक्टली इनटू बैंक, मतलब आपने
सपोज एक कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और शेयर्स पे आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, या आपने कंपनी को लोन दे रखा है या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब वहां पर वो आपसे भरवा लेते हैं, भाई आप अपना बैंक अकाउंट बता दो, हम उसमें पैसे डालते रहेंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके हाथ में सीधा नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाएगा। आप एंड में आके जब अपनी पासबुक देखोगे, आप उसमें देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। या अगर आपने SMS सर्विस ले रखी है, ये चार्जेस देके आपको SMS आते रहेंगे कि आपके पास इनकम आ गई। तो जो भी इनकम हमें डायरेक्टली रिसीव होगी वो बैंक का बैलेंस बढ़ा देगी। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। तो डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट में आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं जो कि हम बैंक के थ्रू करते हैं, तो वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ही आएंगे। फाइनली हम बैंक अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो क्या समझा? जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें दो हमारी कॉमन ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। वो कैश और बैंक की म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, अंदर ही रह जाएगी, यहीं पे रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। या तो कैश निकाली बैंक में से, या बैंक में पैसा डाल दिया। पैसा ज्यादा है तो बैंक में डाल दो, जरूरत है तो निकाल लो। तो इसका इफेक्ट, जो इसका डबल इफेक्ट है, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, तो इसके दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही रह गए हैं। इनकी पोस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि ना हम कैश अकाउंट बना रहे हैं ना बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, कि ये कंट्रास्ट, कॉन्ट्रा जो है ये कंट्रास्ट से बना है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है जो ओपोजिट होती है चीजें, तो इसको छोटे में कर दिया कॉन्ट्रा। तो ये यहां से यहीं चली जानी है। एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। अब वो किससे होगा देखना पड़ेगा, पैसा जमा करा रहे हो या निकाल रहे हो। उसके बाद आप आ जाओ अपनी जो रियल ट्रांजेक्शन आप बाय हैंड कर रहे हो, किसी को चेक में पेमेंट कर रहे हो, या आप चेक में अमाउंट रिसीव कर रहे हो। बट ये याद रखो, चेक मिलने का मतलब नहीं है कि बैंक में पैसा आ गया। उसके लिए चेक बैंक में डालना भी पड़ता है। सो जब चेक मिलता है, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं एज एन एंट्री। फिर उस चेक को जब बैंक में डालते हो तो बैंक में वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब बैंक में पैसा आएगा। अगर आपने ये चेक बाहर से किसी और को दे दिया तो भी वो बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक में गया ही नहीं ना। आपने अगर बैंक को चेक दिया ही नहीं कि मेरा पैसा डाल दो, तो बैंक में क्यों आएगा? वो तो बाहर ही एडजस्ट हो गया, वो यहां लिख दोगे, जिसको दे दिया उसके अकाउंट में डाल दोगे। बट अगर आपका कोई चेक डिपॉजिटेड बाउंस हो जाता है, तो जब चेक आया था बैंक में पैसा बढ़ा दिया, अब उसके बाउंस होने से बैंक में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, चेक बाउंस की एंट्री करोगे। ये हो गया चेक मिलने पे। एक है चेक दे रहे हैं, जब हम चेक देते हैं तो हम बैंक में पैसा कम हो जाता है। बट बाई चांस अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो लास्ट का चेक था, ईयर एंड का चेक था, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया है तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं दिया तो हम खुद से नहीं सोचेंगे कि ये 31st का है तो पता नहीं कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हमें नहीं सोचना है। हमें अगर डाल दिया तो हम लिख देंगे कि बैंक में से पैसा निकल गया, और अगर इश्यू मिला है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ हमारी बैंकिंग के डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स है। बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, उसके अलावा बैंक में डायरेक्ट पेमेंट है, और बैंक में डायरेक्ट इनकम आ रही है। तो ये आप डायरेक्ट जो आ रहा है वो लिख दोगे। जैसे किसी कस्टमर को आपने सेल की क्रेडिट में, अब वो एंड में आपके अकाउंट में सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, आपको मैसेज डाल देते हैं ऑनलाइन पेमेंट मेड इन टू योर बैंक, और आपको बैंक का मैसेज भी आ जाता है। इसका मतलब आपका बैंक में पैसा आ गया, तो आप बैंक में पैसा डाल दोगे, ठीक है। यहां आप डेबिट में, जब भी पैसा आएगा रिसिप्ट होगी तो डेबिट में, और जाएगा पेमेंट होगी तो क्रेडिट में। तो बैंक कम क्रेडिट, बैंक बढ़ गया डेबिट, ठीक है। ये बेसिक रूल है बैंक अकाउंट का, कैश अकाउंट की तरह, तो ये याद रखना। सो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी जो हमारी बैंक के साथ हो सकती है। सो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन दी है उसको समझ के आपको रिकॉर्ड करना है। फाइनली आप अकाउंट को बैलेंस करोगे। बट जैसे मैंने बताया, बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और नील भी हो सकता है। और ये हो सकता है क्योंकि बैंक से बिजनेसेस को कई बार विड्रॉल की, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। बस हमें ये याद रखना है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब आपने ज्यादा पेमेंट कर दी, ज्यादा निकाल लिया पैसा, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बैंक के क्रेडिट बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप वन क्वेश्चन जिसमें हम कैश और बैंक दोनों तरह की ट्रांजेक्शन को लेंगे और एक डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आप अपने बुक में भी इसको रीड कर सकते हो तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी एंड यू कैन ट्राई सम क्वेश्चन ऑल्सो. राइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू.